दोस्तों हमारे पास आया वाटर कूलर रिपेयर करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाटर कूलर का स्विंग ब्लेड का लॉक टूट गया है। इसके लिए हवा का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो इसलिए हमें इस लॉक को जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लॉक को जोड़ने के लिए हम फेविक्विक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो अब रबर नहीं चिपकेगा। इसे कुछ अलग आइडिया से हम चिपका रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक वायर पतला से लिए हैं और उसे गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद हम इसको इस तरह से मेल्ट कर देंगे इसके अंदर। तो ये दोनों के ज्वाइंट को हम इस तरह से मेल्ट कर देंगे और इसके अंदर ये जो इंसुलेशन पिघल गया है तो इसे हम बरोबर फोल्ड कर लेंगे और इस वायर को अंदर ही छोड़ देंगे, कट कर देंगे, जिसके वजह से इसको बरोबर ग्रिप मिलेगा और टूटने का कोई चांस नहीं रहेगा। इसी तरह हमें दोनों तरफ से कर देना है और यह मजबूत हो गया। इसे हम बरोबर फिनिशिंग देकर इसको ब्लेड को लगा दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब यह लग गया है।